हे हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस ये एक पोयम है एंड इसमें क्रिकेट एंड ग्रास ओपर के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग तो पोएट बताते हैं कि जो टिड्डा होता है उसको हम समर का प्रतीक मानते हैं, मतलब समर का साइन मानते हैं। वहीं पर जो क्रिकेट होता है उसको हम विंटर सीजन का साइन मानते हैं। और पोएट साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जब बसंत और सुंदर मौसम में आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं और जो पोएट लोग होते हैं ना वो उसी टाइम पर बहुत सारी पोएम लिखते हैं। बट एनिमल्स या इंसेक्ट उन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। उन लोगों के लिए हर मौसम ब्यूटीफुल होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, उनके लिए हर मौसम अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं समर की तो जो हमारी अर्थ होती है वो लगातार गाती रहती है। जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो समर में गाना बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि धूप से वो बेहोश हो गए हों और वे ठंडे वृक्षों के नीचे जाकर छिप जाते हैं। उस टाइम पर जो टिड्डे होते हैं वो पौधों की एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं और खुशी से नाचते हैं गाते हैं। और उन्हें हम जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना तो वो किसी जंगली पौधे के नीचे, जंगली प्लांट के नीचे ठहर जाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। विंटर की बात करें तो विंटर में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं और जो हमारी अर्थ होती है ना वो एनिमल्स के थ्रू और प्लांट्स के थ्रू अपनी जो खुशी है उसको जाहिर कर रही होती है लोगों के प्रति। और ये खुशी आपको बर्फ से भरे हुए विंटर में साफ साफ दिखाई देती है। और अचानक से सन्नाटे को तोड़ती हुई आवाजें ट्री से नहीं आ रही होती हैं, वो एक पत्थर से आ रही होती हैं। ये किसी झींगुर के संगीत जैसी लगती हैं, मतलब किसी क्रिकेट के सॉन्ग जैसी लगती हैं। और गर्मियों में हर सेकंड इस साउंड का जो वॉल्यूम है वो ऊंचा होता रहता है। लोग अपने घरों में इस साउंड को सुन पाते हैं, मतलब इस आवाज को सुन पाते हैं। और जो आधी नींद में डूबे हुए लोग होते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि हरी बड़ी पहाड़ियों से आते हुए, मतलब जितने भी पहाड़ होते हैं या जंगल होते हैं उनके बीच में जो झींगुर होते हैं ना या टिड्डे अपने संगीत को गा रहे हैं और उसी की वॉल्यूम हमें सुनाई दे रही है। तो गाइस यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ।